नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। बुलेटिन में आज देखिए पूरे देश में मम डे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की खबरें। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में शारीरिक अभ्यास, टॉक ऑन राजयोग मेडिटेशन और टॉक शो विद अवार्ड विनिंग सेलिब्रिटीज कार्यक्रम का आयोजन। दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप भी शामिल। देश के कई राज्यों में प्रशासन से मिलकर संस्थान ने आयोजित किए योग कार्यक्रम। जीवन में योग और राजयोग के संतुलन को बताया संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी। मातेश्वरी जगदम्बा की 54वीं पुण्यतिथि पर देश के कई हिस्सों में श्रद्धांजलि सभा। दिल्ली, अहमदाबाद, ओडिशा समेत अन्य कई स्थानों में मम्मा की विशेषताओं पर डाला प्रकाश। और भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी योग दिवस का दिखा उत्साह। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शारीरिक योगा के साथ राजयोग का किया अभ्यास। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में योग के प्रति लोगों में उत्साह दिखा। आयुष मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज ने साथ मिलकर इस वर्ष की थीम क्लाइमेट एक्शन के तहत योग के द्वारा संदेश दिया। योग दिवस पर भी देश व विदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ बड़े कार्यक्रमों की तस्वीरें। मुंबई के बोरीवली वेस्ट, हरियाणा के बहादुरगढ़, कर्नाटक के दावणगेरे, गुरुग्राम के गोवा कंट्री क्लब, तमिलनाडु के मदुरई, इंदौर के ओम शांति भवन में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में शारीरिक अभ्यास, टॉक ऑन राजयोग मेडिटेशन और टॉक शो विद अवार्ड विनिंग सेलिब्रिटीज कार्यक्रम में कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदी फिल्म दबंग के नेशनल फिल्म अवार्ड विनर एवं फिल्म डायरेक्टर अभिनव कश्यप, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर चिता यजनेश शेट्टी, फॉर्मर इंडियन विमेन क्रिकेटर डायना एडुलजी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने शारीरिक व्यायाम एवं राजयोग को लेकर अपने विचार रखे। आई डोंट गेट रैटल्ड एट ऑल। जितना ग्रीफ मुझे दिया जाता है चारों तरफ से, मैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ उधर ही। ड्यू टू वीकनेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स, उसके लिए एक वर्ड है उसने यूज किया है ब्रूस ली ने, हेल विद द सर्कमस्टेंसेस। हेल विद द सर्कमस्टेंसेस, आई क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। योगा ये केवल फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है ऐसा नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। यजनेश शेट्टी ने इस दौरान सभी को शारीरिक व्यायाम कराया, जिसके पश्चात बीके बिंदु ने मौजूद मेहमानों को सम्मानित किया। बहादुरगढ़ के इस आयोजन में विधायक नरेश कौशिक, एसडीएम तरुण पावरिया, पतंजलि योग समिति बहादुरगढ़ के अध्यक्ष दीपक कुमार, आयुष विभाग के डॉक्टर मोहम्मद कादिर समेत कई अन्य लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। ऐसे ही गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा गोवा कंट्री क्लब में कॉर्डिया इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी उर्मिल वर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। हमारे कैंपस जो पंजाब में रन कर रहे हैं, इस प्रकार की लैब्स ज्यादा से ज्यादा बने और हमारे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए एक अमेजिंग 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 की एक कैंपेन चलेगा। इसके बाद फिजिकल ट्रेनर ने सभी को फिजिकल एक्सरसाइज कराई। इंदौर में कार्यक्रम का शुभारंभ ओम ध्वनि के साथ किया गया, जिसके पश्चात ट्रेनर ने प्रत्येक एक्सरसाइज का लाभ बताते हुए उनका अभ्यास कराया। कार्यक्रम के अंत में इंदौर की मुख्य संयोजिका बीके हेमलता ने राजयोग की गहनता पर प्रकाश डाला और सभी को मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। मदुरई के मदुरा कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 500 स्कूली बच्चों और 800 से अधिक बीके सदस्य, मदुरई जिला न्यायाधीश ए नजीमा बानो, स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर जे सुरेश, मदुरई सब जोन की संयोजिका बीके उमा मुख्य रूप से मौजूद थे। ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिला कर्नाटक के दावणगेरे में। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई स्वामी, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी समेत दावणगेरे सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लीला शामिल हुई। अंत में प्रशासन द्वारा बीके सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। मोहाली के कार्यक्रम में चंडीगढ़ प्रशासन के खेलकूद विभाग के निर्देशक
तेजदीप सिंह सैनी मुख्य अतिथि रहे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह में आने से समाज के लिए अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं रोपड़ क्षेत्र की प्रभारी बीके प्रेमलता और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रमा ने कहा कि राजयोग सबसे प्राचीनतम योग है जिससे मनुष्य अपनी वृत्तियों को संयमित कर सकता है। बहन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है राजयोग के बारे में। मैं पहली दफा मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो फिजिकल एक्सरसाइज है जिसको तन स्वस्थ रखने के लिए उसका बहुत इच्छा भी रहती है और उसको हम करते भी हैं। केरल के पालक्काड़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नेहरू युवा केंद्र तथा पालक्काड़ जिले द्वारा योग कार्यक्रम हुआ जिसमें शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों समेत ब्रह्मकुमारीज की मुख्य उपस्थिति रही। वहीं योग दिवस का दूसरा कार्यक्रम प्रसन्ना लक्ष्मी ऑडिटोरियम में किया गया। इन कार्यक्रमों में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना एवं बीके गोपाल कृष्णन ने राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानकारी दी। राजकोट के रणछोड़दास आश्रम, आर के विश्वविद्यालय और स्वामी नारायण चौक पर हजारों बीके सदस्यों ने योगा का अभ्यास कर लोगों को योगा को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके अंजू ने लोगों से अपील करी कि जीवन में राजयोग और योगा को शामिल करने से जीवन में संतुलन बना रहता है और यही असली जीवन जीने की कला है। यूपी के आगरा में प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारीज को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया जिसमें 8 गैलरी सेवा केंद्र के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्रिज क्षेत्र के संगठन मंत्री भवानी सिंह, विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया, मंडलायुक्त अनिल कुमार समेत प्रशासन के आला अफसर मौजूद थे। सभी ने तकरीबन 1 घंटे तक शारीरिक व्यायाम किया। कार्यक्रम के समापन पर बीके मधु और बीके संगीता ने सभी अतिथियों से मुलाकात की और मेडिटेशन फोल्डर तथा लिटरेचर प्रदान किए। योग दिवस को लेकर भारत के पड़ोसी देश नेपाल का उमंग उत्साह कुछ कम नहीं था, जहां वीरगंज सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी नारायण प्रसाद भटवाई प्रमुख अतिथि थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमीना ने वर्तमान चुनौतीपूर्ण घड़ी में संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए आसन प्राणायाम के साथ प्राचीन राजयोग करना अत्यंत जरूरी बताया। इसके साथ ही फिजिकल ट्रेनर धीरेन्द्र सिंह ने सभी को योगाभ्यास कराया। मुंबई शहर की बात करें तो कोलाबा और गामदेवी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मरीन ड्राइव के बीच पर सभी ने योगा किया तो माहिम सेवा केंद्र द्वारा तेंदुलकर हॉल में अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन लाइफस्टाइल एंड कैंसर विषय पर चर्चा हुई। वहीं कांदिवली वेस्ट सेवा केंद्र और जेबी नगर सेवा केंद्र द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन कर सभी को प्राणायाम, योगासन और योगाभ्यास कराया गया। महाराष्ट्र में पुणे के स्वामी विवेकानंद और लिटिल हाई स्कूल समेत अन्य कई स्कूलों में मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके वीरेंद्र ने वैल्यूज के बारे में बताया, साथ ही अन्य स्थानों पर योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में योग का महत्व समझाया। नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर गार्डन और सेंट्रल रेलवे समेत अनेक स्थानों पर भी आयोजन हुए। अगली तस्वीरें गुजरात की है, जहां अहमदाबाद में अंबावड़ी के सविता विद्या बाल मंदिर स्कूल, लोहाना बॉयज हॉस्टल और विकास गृह में बीके त्रिवेणी ने योग को जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। इसके अलावा भावनगर सेवा केंद्र द्वारा पलिटाना के गजरिया रोड, शेत्रुंजय पर्वत, 108 तीर्थधाम में कलेक्टर ऑफिसर के सोलंकी और बीके गीता समेत अनेक अतिथियों ने योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। वहीं जूनागढ़ और बड़ोदरा के मांजुलपुर में अतिथियों और बीके सदस्यों ने योग करने के साथ सकारात्मक विचार करने की प्रेरणा दी। ऐसे ही गुजरात में पोरबंदर के इंडियन नेवी एयर कंक्लेव में आमंत्रित बीके लीना ने राजयोग मेडिटेशन के लाभ बताए। नेवल इंचार्ज कमोडोर देवराज थापा ने सराहना की। ऊंझा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा समेत उपस्थित लोगों ने सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाए और विराम गांव में बीके रमा और बीके धर्मिष्ठा समेत अनेक सदस्यों और वरिष्ठ लोगों ने सामूहिक योग किया। अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें ये तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये नरसिंहपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खरगोन जबलपुर के नेपियर टाउन और इंदौर के कालानी नगर की है, जहां लोगों ने योग तो किया ही, साथ ही राजयोग द्वारा स्वस्थ और सुखी समाज विषय पर चर्चा की। नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटी के अध्यक्ष अलका अग्रवाल,
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे उपस्थित रही और कालानी नगर में वैष्णव विद्यापीठ विद्यालय के डायरेक्टर एस डी वैष्णव समेत अन्य अतिथियों ने आलस को छोड़ने की बात कही। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, ग्वालियर, पीथमपुर, राजगढ़, इंदौर के महू और मंदसौर के सीतामई में भी भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए योग के साथ राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया गया। ग्वालियर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किशन मुद्गल, ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, साधना पत्र मैगजीन के पूर्व संपादक बीके अनु समेत कई विशिष्ट लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए सकारात्मक व शुद्ध विचारों को अपनाने की बात कही। वहीं पीथमपुर के घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कंपनी में बीके विद्या ने योग कराया। इसके साथ ही छिंदवाड़ा, महू, राजगढ़ और सीतामऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश की है, जिसमें पहली तस्वीर कड़प्पा के आर्ट्स कॉलेज की है, जहां जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट समेत 800 लोगों को बीके गीता ने राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कही, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा मौजूद रहे। वहीं श्रीकाकुलम के छपरा और हीरा मंदालम सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों और कॉलेजेस में संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बताते हुए योग कराया गया। उत्तर भारत में भी योग दिवस पर खासा उत्साह देखने को मिला। लखनऊ में आनंद नगर, कानपुर के कल्याणपुर, अलीगढ़ मथुरा, सीतापुर और टुंडला के रामनगर में बड़ी संख्या में लोगों को बीके सदस्यों ने योग कराया तथा अतिथियों ने संस्था के निस्वार्थ कार्यों की सराहना करते हुए सभी से राजयोग द्वारा मानसिक विकारों और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का आह्वान किया। ऐसे ही यूपी के फिरोजाबाद सेवा केंद्र द्वारा करीब 21 स्थानों पर म्यूजिकल तरीके से योगाभ्यास कराया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम में मेयर नूतन राठौर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं सादाबाद सेवा केंद्र द्वारा रॉयल पैलेस में आयोजन किया गया, जहां उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत कई गणमान्य अतिथियों ने राज्यों के अभ्यास के लिए प्रतिदिन 1 घंटा समय निकालने की बात कही। उत्तराखंड के ऋषिकेश, कोटद्वार और देहरादून के सुभाष नगर में इंटरनेशनल योगा डे पर कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की और सकारात्मक जीवन शैली बनाने की प्रेरणा दी। तमिलनाडु में नागरकोइल के वडसेरी सेवा केंद्र द्वारा पुलिस कैंपस, 6 स्कूलों, 3 कॉलेजेस और मंदिर समेत अनेक स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। वहीं थंजावुर सेवा केंद्र द्वारा पुलिस स्टेशन ग्राउंड, AVVM, श्री पुष्पम कॉलेज समेत अनेक स्कूलों और कॉलेजेस में योगा डे पर कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्ञान सौंदर्य के निर्देशन में संपन्न हुआ। वहीं कर्नाटक के गुलबर्गा में आयुष विभाग, लायंस क्लब और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही विजय कर्नाटक न्यूज़पेपर के संयुक्त तत्वाधान में SB ग्राउंड में 4,000 से अधिक लोगों ने योग किया। वहीं शिमोगा आयुष विभाग और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में विधायक KS ईश्वरप्पा समेत कई अतिथि मौजूद थे। ओडिशा के संबलपुर और प्रदीप पोर्ट, बिहार के समस्तीपुर तथा गया के AP कॉलोनी में योग दिवस पर चाहे CRPF के जवान हो या बाल सुधार गृह के बच्चे, सभी ने उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और शारीरिक व मानसिक योगा कर योग दिवस को सार्थक बनाया। ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा, जिन्होंने अपने तपोबल से पूरे विश्व में महिलाओं को देवी शक्ति रूप का एहसास कराया, ऐसे मां के 54वें स्मृति दिवस पर संस्था के सभी सेवा केंद्रों पर आयोजन हुए। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में, जहां मातेश्वरी जगदम्बा की 54वीं पुण्यतिथि और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने सभी को मम्मा की विशेषताएं सुनाई और उपस्थित लोगों से उसे जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। इसके साथ ही सभी ने योग के साथ राजयोग का अभ्यास भी किया। ऐसे ही ओडिशा के भद्रक सेवा केंद्र में ICAR के डायरेक्टर प्रदीप बेहरा, सिंगर शोभा मोहापात्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत सभी उपस्थित लोगों ने मम्मा समान गंभीर, रमणीक, एक्टिव और अलर्ट जैसे गुणों को जीवन में शामिल करने का संकल्प किया। राजधानी दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर लगभग 300 बीके सदस्यों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने संबोधित किया और सभी ने मातेश्वरी जगदम्बा को श्रद्धांजलि दी।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमीरपुर के गलोरे सेवा केंद्र में मम्मा के स्मृति दिवस पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष ने बताया कि मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो वही रंगस में माउंट आबू से आए बीके भगवान और सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष ने योग बल द्वारा स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प कराया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, बीके विनीता और बीके नीलेश ने सभी को ज्ञान योग की धारणा के लिए उत्साह दिलाया तथा तोशाम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने मातेश्वरी जगदम्बा के जीवन परिचय से सभी को भली भांति अवगत कराया। आज की खबरों में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।